दोस्तों आज बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास लैपटॉप पीसी कंप्यूटर नहीं है और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कि आप लैपटॉप पीसी कंप्यूटर से करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो उस मोबाइल फोन को अपना लैपटॉप पीसी कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में 100% मैं आपको बताने वाला हूं। और विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज आपका जो 7 आता है, ये सारे सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सारे आपके मोबाइल फोन पर चलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए और ऐसा वीडियो जो है आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यू अपडेट अभी आया हुआ है। इसलिए वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की जब भी हम वीडियो डालें उनका बेनिफिट आपको मिल सके। और एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, YouTube के बारे में सीखना चाहते हैं, लोगो बनाना सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पे नीचे आप चले जाइएगा, वहां पर देखिएगा बहुत सारी ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, देखेंगे आप तो आपको बहुत ज्यादा और नॉलेज मिलेगी। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अभी आपको अपने मोबाइल में, यह भी देख सकते हैं मेरे पास ये टैबलेट है, ठीक है ना, तो टैबलेट हो मोबाइल हो बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें हम जो है देख सकते हैं, यहां पर कीबोर्ड है हमारा और ये देख सकते हैं हमारा माउस है, राइट। यहां पर आप कनेक्ट कैसे करेंगे क्योंकि यहां पर तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए देखिए यहां पर एक ये कनेक्टर होता है, तो यहां पर कनेक्टर देखेंगे तो ये बेसिकली सी टाइप का है। अब यहां पर जो लगेगा इसमें V8 वाला लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो कनेक्टर होता है इसको मार्केट से आप इजीली परचेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये देख सकते हैं इस तरह का, या फिर इस तरह का OTG केबल, इसे OTG केबल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आप परचेज कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद जो है देखिए यहां पर हमने एक USB हब लिया है। USB हब इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर जो है कनेक्टर तो एक ही रहेगा, इसमें हमें माउस भी कनेक्ट करना है और हमें कीबोर्ड भी कनेक्ट करना होगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए मैं यहां पर कनेक्ट करता हूं अपना OTG केबल, ठीक है, इसी को लगा लेता हूं कनेक्टर को। और इसको तो ये सी टाइप का है बेसिकली, तो सी टाइप वाला इसमें हम लगाएंगे, सी टाइप का हमारा ये रहा, तो यहां पर इसको हम लगा देंगे कुछ इस तरह से, ओके। देखिए लग चुका है और उसके बाद जो है ये हमारा जो हब का केबल है कुछ इस तरह से यहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, राइट, कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए अब हमारा कीबोर्ड रहेगा इसी पे लगा देंगे, उसके बाद जो हमारा माउस रहेगा इसमें लगा देंगे। चलिए हम चेक करते हैं हमारे कीबोर्ड में लाइट आई कि नहीं आई है, यहां पर देख सकते हैं इंडिकेटर में लाइट दिख रही होगी, दिख रही है लाइट, यस। और यहां पर हमारे माउस में भी लाइट आ चुकी है, ओके। तो चलिए अब यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और साथ ही साथ आपको हम दिखाएंगे कि यहां पर अपने फोन में भी हम चला सकते हैं, ओके गाइस। तो यहां पर देखिए अभी हमारा कीबोर्ड और माउस वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहां पर एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसे हम डाउनलोड करेंगे। यहां पर आपको टाइप करना होगा विंडोज 7, राइट, इस तरह से आपको टाइप कर लेना है, इंटर कर देना है, ठीक है ना। चलिए और यहां से ये एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा विन 7 और सीम्यू लिखा हुआ है, तो इसको एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहां पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ओके। तो यहां पर देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। अब यहां पर ओपन करने के लिए नहीं आएगा, यहां पर प्ले करने के लिए आएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारा देखिए कर्सर भी प्रॉपर जो है काम करना शुरू कर दिया है। अभी आपको स्किम करके नहीं जाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, पूरा लॉगिन करना है आपको, ठीक है ना। सिस्टम से पूरा देखेंगे, लॉग आउट भी करना होगा। अगर आपने गलती से लॉगिन कर लिया और यहां से आप सयानापन करके यहाँ पर सिस्टम को छोड़ के अगर चले गए तो समझ लीजिए कि आप जो है लॉग आउट नहीं कर पाएंगे, फिर आपका ऐसे ही खुले रहेगा स्क्रीन, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखिएगा, देखिए अभी स्टार्ट हो चुका है, हमने जैसे ही लॉगिन किया यहां पर स्टार्ट हो चुका है और दिख भी रहा है प्रॉपर, ओके गाइस। तो देख सकते हैं कि अभी जो है ये ओपन हो चुका है, राइट। उसके बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्विच यूजर और यहां पर गेस्ट लिखा हुआ है, तो यहां पर जो है हम गेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर मैं स्विच पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहां पर लॉगिन कर सकते हैं अपना गूगल जो होता है उसी अकाउंट के थ्रू, या फिर आप चाहें तो यहां पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर जो गूगल अकाउंट है उसी से एक बार लॉगिन करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं लॉगिन होता है या नहीं होता है। तो जो भी जीमेल आईडी रहेगी वो आपसे पूछेगा
और एक्सेस लेगा तो आपको क्लिक कर देना है। ओके गाइस, तो ये इस तरह का कुछ ऐड आएगा जो गूगल वर्क स्पेस लिखा हुआ है, इसको क्लोज आपको कर देना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे लैपटॉप यानी कि हमारा जो टैबलेट था उसमें कंप्यूटर चल चुका है और ये विंडोज 7 की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब इसमें काम कैसे करना है, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, सारा कुछ प्रोसेस अभी आपको समझाने वाला हूँ। देखिए हमारा ये कीबोर्ड रहा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हमारा माउस रहा जो कि यहाँ पर कनेक्ट है हब के थ्रू, ठीक है, ये हमारा हब रखा हुआ है, इसी से हमने सब कुछ डिवाइस कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, टैबलेट है। इस काम को आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी स्टोरेज इसकी रहेगी वो आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फुल स्क्रीन किया और यहाँ पर सिस्टम जो सी बना हुआ है इसका पूरा स्पेस यहाँ पर दिखा रहा है, कितना यहाँ पर खाली है, क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखा रहा है, डीवीडी राइडर दिखा रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा से बड़ा हो। ओके, तो यहाँ पर अगर जो कंप्यूटर वाले थोड़े से फीचर जो है मुझे लगता काम नहीं कर रहे हैं और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा होगा और यहाँ पर देखिए सर्च मेन्यू बार आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ भी अगर सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम दिख रहे होंगे, गूगल क्रोम, यानी कि चलिए गूगल क्रोम मैं ओपन करता हूँ और गूगल क्रोम जैसे ही ओपन करूंगा देखिए ये कंप्यूटर की तरह स्क्रीन आपको दिख जाएगी, लैपटॉप की तरह, राइट, दिख रही होगी। और यहाँ पर देखिए अगर कुछ भी हमें सर्च करना है तो मैं कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ, देखिए कीबोर्ड हमारा ये रहा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा YouTube, YouTube, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर इंटर बटन को प्रेस करता हूँ। ओके, हमने इंटर प्रेस कर दिया है, देखिए गूगल जो है यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अगेन और हम देखते हैं कि हमारा YouTube ओपन होता है या नहीं होता है। दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आपके मतलब का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन हो रही है, मुझे लग रहा थोड़ा सा समय ले रहा है, ये इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका फ़ोन कितना कैपेबल है, फोन की रैम वगैरह अगर अच्छी होगी तो बहुत ही फास्ट काम करने वाला है, समझ गए क्या आप? यस, अगर फोन में आपकी रैम अच्छी है तो फास्ट काम करेगा ही करेगा। चलिए यहाँ पर अपने चैनल को नाम सर्च करता हूँ, एक्सीलेंट टेक सपोर्ट 2.0 चलाइए। अरे वाह, ये तो अभी पूछ रहा है कि माइक अलाउ करिए पहले। ओके, एक्सीलेंट टेक सपोर्ट 2.0 नहीं समझा अभी। ओके, ये कह रहा कि भैया सेटिंग पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं कीबोर्ड से ही टाइप कर लेता हूं। देखिए यहां पर मैंने डाल दिया एक्सेलेंट टेक सपोर्ट 2.0, इंटर प्रेस कर दूंगा। वाओ, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे YouTube चैनल का नाम भी आ चुका है और हमने यहाँ पर जो वीडियो डाली थी मेसो से चूड़ी ऑर्डर कैसे करें, अगर आपको भी चूड़ी ऑर्डर करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो कैसे करना है। ओके, इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पर ट्रांसलेट करना है तो देख सकते हैं, बहुत सारी हमने वीडियो डाली है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि लोगों को कैसे बनाना है, राइट। इसी तरह कुछ भी आप यहाँ पर चलाना चाहें तो चला सकते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे दिखता है यहाँ पर। अरे वाह, क्या बात है, देखिए यहाँ पर चालू हो चुका है। हो, मोदी साहब यहाँ पर आ चुके हैं, मोदी साहब का एड चालू हो चुका है, भाजपा का बटन दबा रहे हैं, वीडियो भी हमारी चालू हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है सब कुछ आ रहा है यूट्यूब की तरह, मतलब कि यह कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही। दूसरी यहाँ पर मान लीजिए हमें दूसरी विंडो को ओपन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बगल में दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, उससे पहले इसको हम स्टॉप करेंगे, तो इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे ये पूछ रहा है वॉच एंड ऐड टू कंटिन्यू और सब्सक्राइब, यानी कि अगर आपको कुछ भी ओपन करना है तो थोड़ा सा ऐड यहाँ पर रन करना पड़ेगा, एडवर्टाइज को रन करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा चालू कर देता हूँ। ओके, इस तरह का ऐड आएगा, सिंपली आपको यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देना है, दूसरी विंडो ये आ चुकी है वर्क करने के लिए, तो इस तरह के टैब ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, देख रहा हूँ काम करता है कि नहीं करता है। ओके,
यहाँ पर देखिए बाकायदे काम कर रहा है। इसने क्या किया, पूरा ही मिनिमाइज कर दिया है। मैं एक बार दोबारा से ओपन करता हूँ क्योंकि इसने कंप्यूटर की स्क्रीन को हटा दिया था, तो यहाँ पर मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। इसको यहाँ से मिनिमाइज करूँगा क्योंकि नहीं तो मोबाइल की स्क्रीन जो है दिखाना चालू कर देगा। देखिए ये आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई गेम वगैरह खेलना है तो गेम वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल या सेटिंग कुछ भी करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें पेंट चालू करना है। अगर बच्चे आपके घर पर हैं और कीबोर्ड वगैरह से अगर टाइपिंग करना चाहते तो बहुत ही बेस्ट रहेगा कि आप जो है यहाँ पर कीबोर्ड माउस और ये कनेक्टर जो है ले आएंगे मार्केट से, 150-200 रुपए का मिल जाएगा। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप, तो यहाँ से आसानी से आप जो है टाइपिंग भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर पेंट ओपन करता हूँ। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो पेंटिंग करना बहुत पसंद करते हैं लेकिन उनको करे तो कहाँ करें, फोन में करने को मिलता नहीं है, कंप्यूटर की क्लास में भी नहीं करने को मिलता होगा क्योंकि वहाँ पर इतना समय ही नहीं मिल पाता है। ओके, इस तरह दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पेंटिंग हमारी आ चुकी है। वाओ क्या बात है। चलिए इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट करके, और ये स्क्रीन हमारी आ चुकी है। यहाँ पर हम कुछ भी बना सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए ये कैसा बन रहा है भाई। यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है। इसको मैं सर्कल को लेता हूँ और अगेन यहाँ पर ट्राई करता हूँ कुछ बनाने का। तो देखिए हमारा पेंट भी यहाँ पर चालू हो चुका है। ओके, यहाँ से मैं कलर पिकर लेता हूँ। ये कलर जो पिकर है देखिए ये बकेट रही कलर की, और इसको मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से मैंने कलर को पिक किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया। वाह कलर कितना जबरदस्त हो चुका है। तो मैं यहाँ से इस रेड कलर को लेता हूँ और अगेन जो है इस वाले पे डाल देता हूँ। चलिए अगर बैकग्राउंड हमें चेंज करना है तो थोड़ा सा डार्क ये कलर लेंगे और स्क्रीन पर डाल देंगे। देखिए वाओ जबरदस्त लग रहा है। अगर आपके घर में इस तरह के कुछ बच्चे हैं शैतान जो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट नहीं है तो डोंट वेरी, टेंशन मत लीजिए। आपके घर में फोन होगा, मुझे पता है कि आपके घर में जितने आदमी होंगे उतने फोन जरूर होंगे। तो बस आपको क्या करना है, 500-600 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लगभग। ये जो कीबोर्ड हमारे पास है प्रोडेट का, ये आपको मार्केट से 250 रुपए का मिल जाएगा। आपका जो माउस होता है अप्रोक्सीमेट ये भी 250-300 रुपए का मिल जाएगा। लोकल लेंगे तो 150-200 का ही मिल जाएगा। ये एक आपका यूएसबी हब जो है ये 150 के आसपास मिल जाएगा। यानी कि आपका 500-600 रुपए में पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। तो 35-40 हजार रुपए लगाने की क्या जरूरत है, थोड़े में ही काम चलाइए। जब आप सीख जाएं तो फिर अपना बड़ा ले लीजिए काम करने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए यहाँ पर मैं वर्जन की बात कर रहा था, विंडोज अभी 7 है इसमें, तो इसमें मैं 10 चलाना चाहता हूँ। मैंने राइट बटन को प्रेस किया यानी कि क्लिक किया। देखिए अब ये क्या है, हार्डवेयर हमारा जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम करेगा। इसको मैं टच करूंगा तब भी काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि ये टैबलेट है भाई, टैबलेट तो काम ही करेगा ना, स्क्रीन थोड़ी है लैपटॉप की। पर्सनलाइज पर हमने क्लिक किया और यहां से इसको मैक्सिमाइज किया, हो जा भाई। तो देखिए यहां पर एरो थीम ओपन हो चुकी है और यहां से अगर हम चाहें तो विंडोज अभी हम चेंज कर लेंगे। कौन सा चलाएं इसमें विंडो हम, चलिए अभी देखिए यहां पर विंडोज हमारा 7 चल रहा था, अब इस पे हम चलाने वाले हैं विंडोज 10। यहां पर विंडोज 10 ये दिख रहा है आपको। ओके, ये थोड़ा सा नीचे करता हूं। यहां पर देखिए विंडोज आपको 10 दिख रहा होगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। और उसके बाद पूछ रहा है वॉच एंड कंटिन्यू, यानी कि ऐड को चलाना पड़ेगा। रिमूव ऐड करेंगे तो पैसे मांगेगा भाई, पैसे नहीं हम देंगे, हम फ्री में चलाएंगे। देखिए मंथली 190 रुपए है, अगर आप 190 रुपए खर्च कर सकते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें आप परचेज करेंगे, ईयरली आप लेंगे तो 2000 रुपए पड़ेंगे। यह स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, आपको बताना चाहता हूँ, डोंट वेरी, टेंशन मत लेना, मैं किसी का प्रमोशन निकल रहा हूँ, ये आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि आपके जो है पैसे बच सके और आपका काम भी चल जाए। वॉच एंड ऐड पर क्लिक करूंगा, मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, ऐड आएगा इस तरह से, इसको मैं क्लोज करूंगा। क्या जाता है हमारा देख रहे हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा विंडोज जो है 10 एक्टिवेट हो चुका होगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और देखिए विंडोज 10 हमारा एक्टिवेट हो चुका है। राइट, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो स्टार्ट बटन दिख रहा है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सारे आइकन चेंज हो चुके हैं। पहले आइकन आपको दूसरी तरह दिख रहे थे, अभी आपको आइकन कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर कैमरा भी चल जाएगा। कैसे चलेगा कैमरा, यहाँ पर कैमरा पर हम क्लिक करेंगे, हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओके, देखिए हम यहाँ पर मोबाइल फोन अपना चला रहे हैं एक हाथ से, और एक हाथ से जो है हम यहाँ पर अपना आपको कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं टैबलेट के अंदर, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो है
आप फ्रंट और बैक कंपना जो है आप चला सकते हैं यहाँ से करने के बाद। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो काफी अच्छा है कि आपके घर में लैपटॉप पीसी नहीं है तब भी यहाँ से कुछ भी काम कर सकते हैं। और ये पेंट हमारा खुला हुआ है, इस फाइल को हम सेव करना चाहें, पेंट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी आराम से हो जाएगा। फाइल पे जाएंगे, इसको सेव एज करेंगे। ओके, अब पूछ रहा है कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे भाई करेंगे। यहाँ पर हम कोई नाम डाल देंगे अपना, जैसे उसमें डालते हैं, हमने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। सेव पर हम क्लिक करेंगे और हमारा फाइल जो है सेव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा फाइल सेव हुआ है नहीं। ये देखिए यहाँ पर सेव हो चुका है। इसको मैं डबल टैप करके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा इमेज। तो इस तरह से भाई कंप्यूटर जो है अपने लैपटॉप पीसी में आप चला भी सकते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पर अगर इसे हमें शट डाउन करना है तो शट डाउन करने के लिए सिंपली जो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा होगा इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए पावर बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही देखेंगे यहाँ शट डाउन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है वैसे भी ये शट डाउन होने लगेगा। ओके, तो गाइज कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके वीडियो मतलब का लगा है, यानी कि अगर आपको समझ में आया है कि हमने मेहनत की है, आपकी हेल्प की है कहने कहीं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख रहे हैं कितना पसीना निकलता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने जानने वालों, दोस्त यार स्टूडेंट को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके घर में लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो परेशान रहते हैं। मात्र 500 से 700 रुपए खर्चा करिए और कीबोर्ड, माउस और ये कनेक्टर जो यूएसबी हब होता है उसको लेकर आइए। ओटीजी केबल, ये चार चीज आपको परचेज करना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आराम से इसमें टाइपिंग वगैरह सीख सकते हैं आप, जो है पेंटिंग सीख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का छोटा मोटा काम अगर है तो यहाँ से निपटा सकते हैं। अगर आपका फोन जो है बहुत ही जबरदस्त है तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई सभी हैवी वर्क कर सकते हैं विदाउट वीडियो एडिटिंग छोड़ के, समझ रहे हैं। वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऑफिस वर्क अगर कुछ भी फाइलिंग वगैरह करना है तो आराम से यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।